नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल DS Mathematics Classes में आपका स्वागत है। आज का जो लेक्चर है वो क्लास 11th मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें हम चैप्टर फर्स्ट सेट की बात करेंगे। और ये जो लेक्चर है ये आपके चैप्टर फर्स्ट का 8th लेक्चर है। ठीक भाई, ये लेक्चर आपके चैप्टर फर्स्ट का 8th लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हम सेट्स पर कुछ ऑपरेशन करेंगे। कहने का मतलब है कि हम सेट्स को जोड़ेंगे, घटाएंगे, साथ ही साथ सेट्स का कॉमन पार्ट भी आप मिलेंगे। कहने मतलब है हम सेट्स पे क्या करने वाले हैं, सेट्स पे हम संक्रिया करने वाले हैं, जैसे उनको जोड़ना, घटाना और उनमें से कुछ कॉमन लेना। जो जैसी भी संक्रियाएं हैं उन सब संक्रिया या फिर ऑपरेशन को हम सेट पर अप्लाई करेंगे और फिर हम देखेंगे इस सेट में क्या परिवर्तन हुआ, साथ साथ सेट के एलिमेंट्स में क्या परिवर्तन हुआ, क्या सेट के एलिमेंट्स चेंज हो गए या फिर सेट के एलिमेंट्स वही बने रहे, या फिर सेट के कुछ एलिमेंट्स एग्जिस्ट हैं, कुछ एलिमेंट नहीं हैं। तो हम ये सब जो भी है क्या नाम से जो भी सिचुएशन है उनका अध्ययन हम आज के लेक्चर में करने वाले हैं। और आज के लेक्चर का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यानी मतलब आज का लेक्चर डिपेंड है आपके किस पर, ऑपरेशंस ऑन सेट पर या फिर समुच्चयों पर संक्रिया। ठीक है, तो देखो समुच्चयों पर संक्रिया कितने प्रकार की होती है वो भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं समुच्चयों पर संक्रिया। समुच्चयों पर संक्रियाएं होती हैं टोटल 5। ठीक है, समुच्चयों पर संक्रिया कितनी होती है, टोटल 5 होती हैं, जिसमें से हम सिर्फ आपको 4 का अध्ययन कराएंगे। सिर्फ ओनली चार ऑपरेशंस का अध्ययन कराएंगे, जो जिनमें एक होगा फर्स्ट संघ, दूसरा सर्वनिष्ठ होगा, तीसरा होगा अंतर और चौथा होगा पूरा। ठीक है, कहने मतलब है यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस एंड कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो देखिए ये होते क्या हैं, ये संक्रिया होती क्या है, इनको सेट पे किस प्रकार से अप्लाई करते हैं और जब सेट पे अप्लाई करते हैं तो सेट में क्या क्या चेंजेस आते हैं और इन ऑपरेशंस की भी क्या क्या प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो देखिए आज के लेक्चर के अंदर और आज के लेक्चर का टॉपिक है आपके ऑपरेशंस ऑन सेट या फिर समुच्चयों पर संक्रिया। तो देखो समुच्चयों पर सामान्यतः 5 संक्रियाओं का, समुच्चयों पर सामान्यतः 5 संक्रियाओं का उपयोग कर सकते हैं। ठीक भाई, समुच्चयों पर सामान्यतः 5 संक्रियाओं का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, समुच्चयों पर सामान्यतः 5 संक्रियाओं का उपयोग होता है, या फिर आप ऐसे देखो कि 5 संक्रियाओं का उपयोग होता है। ठीक है, जिनमें से हम केवल 4 संक्रियाओं का, जिनमें से हम केवल 4 संक्रियाओं का अध्ययन करेंगे। ठीक है, जिनमें से केवल हम 4 संक्रियाओं का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो देखो 4 संक्रियाएं कौन कौन सी है, 4 संक्रियाओं का अध्ययन करेंगे तथा ये चार संक्रियाएं निम्न हैं। ठीक है, जो कौन कौन सी 4 संक्रियाएं जिनको आप समुच्चय पर अप्लाई करते हैं सेट पर, तो सबसे पहली है आपकी समुच्चयों का संघ। ठीक है, फर्स्ट है आपका समुच्चयों का संघ, या फिर आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हो यूनियन ऑफ सेट। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं इसको, यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक है, क्या बोल सकते हैं इसको, यूनियन ऑफ सेट। ठीक है, अब देखो सेकंड क्या है, सेकंड है आपकी समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। ठीक है, सेकंड क्या है, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, सेकंड है समुच्चयों का सर्वनिष्ठ या फिर इंटरसेक्शन ऑफ सेट। ठीक है, सेकंड क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। ठीक है, थर्ड है समुच्चय का पूरक। ठीक है, थर्ड है समुच्चयों का पूरक या फिर समुच्चयों का नहीं, समुच्चय का पूरक, थर्ड है समुच्चय का पूरक या फिर कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। और फोर्थ है आपकी क्या, फोर्थ है समुच्चयों का अंतर।
या फिर डिफरेंस ऑफ ए सेट्स, ठीक है, समुच्चयों का अंतर, डिफरेंस ऑफ ए सेट, डिफरेंस ऑफ ए सेट, ठीक है। ये चार कॉमन संक्रियाएं हैं या फिर ये चार फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं जिनको हम किस पर अप्लाई करते हैं, जिनको हम समुच्चयों पर अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब देखो इनमें से चार का अध्ययन हम एक एक का बारे बारे से अध्ययन करेंगे कि ये संक्रिया होती क्या है, सेट पर अप्लाई करने पर सेट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, सेट के एलिमेंट्स पे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है और इन ऑपरेशंस की खुद की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आपकी संक्रिया है यूनियन ऑफ सेट या फिर समुच्चयों का संघ, ठीक है, समुच्चयों का संघ। तो देखो फर्स्ट है आपकी समुच्चयों का संघ, समुच्चयों का संघ या फिर यूनियन ऑफ सेट, यूनियन ऑफ सेट, ठीक है। देखिए भाई यूनियन ऑफ सेट क्या होता है, आपने दो समुच्चय ले लिए ए और बी, ठीक है, आपने दो समुच्चय ए और बी ले लिए और उनके यूनियन को आप किससे व्यक्त करोगे, हमेशा आपने दो सब समुच्चय ले लिए ए और बी। अब आपको कुछ भी पता नहीं है कि ए और बी एम्प्टी सेट हैं या फिर नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब आपको कुछ नहीं पता इनके बारे में, ठीक है, कि ये दोनों सेट कैसे हैं, एम्प्टी या नॉन एम्प्टी। अब आपने ये दो समुच्चय ले लिए तो इन दो समुच्चयों के यूनियन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए यूनियन बी से, ठीक भाई, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए यूनियन बी से। और बोलते भी क्या है, ये समुच्चय ए का समुच्चय बी का संघ या फिर ए यूनियन बी, ठीक है, किससे व्यक्त करते हैं, ए यूनियन बी से। और ये जो ए यूनियन बी होता है ये भी क्या होता है, एक समुच्चय होता है जिसके अंदर एलिमेंट क्या होता है, जिसके अंदर एलिमेंट या तो एक्स के एलिमेंट होते हैं, सॉरी या तो ए के एलिमेंट होते हैं या बी के एलिमेंट होते हैं या दोनों के कॉमन एलिमेंट होते हैं। कहने का मतलब है कि समुच्चयों के संघ के अंदर जो अवयव होंगे वो या तो समुच्चय ए के होंगे या समुच्चय बी के होंगे या दोनों समुच्चयों के होंगे, ठीक है। मतलब ये तीन कंडीशन होती है कि उन अवयवों का समुच्चय जो या तो समुच्चय ए के हो या समुच्चय बी के हो या दोनों समुच्चयों के हो, ठीक है। तो ए यूनियन बी के अंदर कौन से एलिमेंट होते हैं, ए यूनियन बी के अंदर वे एलिमेंट एक्स होते हैं जो कि या तो एक्स को बिलोंग कर रहे हैं या तो ए को बिलोंग कर रहे हैं या बी को बिलोंग कर रहे हैं या दोनों को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है भाई, या फिर दोनों को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपकी डेफिनेशन होगी, ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू ए या एक्स बिलोंग्स टू बी। और दोनों को जब कॉमन करेंगे एलिमेंट, जब दो भी एलिमेंट जो दोनों में कॉमन होंगे उनको आप क्या लिख सकते हो, डायरेक्टली उनको आप लिख सकते हो एक्स बिलोंग्स टू या एक्स बिलोंग्स टू बी, कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो क्या ही मतलब है, इस सेट में वे एलिमेंट होंगे जो या तो समुच्चय ए में होंगे या बी में होंगे या दोनों में क्या होंगे, कॉमन एलिमेंट होंगे, ठीक है। तो ये आपका समुच्चयों का संघ हो गया। अब देखो इसकी डेफिनेशन देखिए, माना ए और बी कोई दो समुच्चय, माना ए और बी कोई दो समुच्चय है, तब इनके संघ समुच्चय को ए यूनियन बी से व्यक्त करते हैं, किससे व्यक्त करते हैं, इनके संघ समुच्चय को ए यूनियन बी से व्यक्त करते हैं तथा यह उन अवयवों का समुच्चय होगा जो या तो समुच्चय ए के या समुच्चय बी के या समुच्चय बी के या दोनों के उभयनिष्ठ या दोनों के उभयनिष्ठ हो या दोनों में उभयनिष्ठ हो, ठीक भाई। कहने मतलब है कि इनका संघ समुच्चय उन अवयवों का समुच्चय होगा जो या तो समुच्चय ए के अवयव होंगे या समुच्चय बी के अवयव होंगे या दोनों के उभयनिष्ठ अवयव
होंगे। ठीक है, अब देखो ये डेफिनेशन हो गई। जैसे मैं जो आपने जो लिखा है स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को आप मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हो कि डेट इज ए यूनियन बी बराबर एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू ए या एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू ए या एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक, तो ये आपकी क्या होगी, समुच्चयों की संघ की डेफिनेशन होगी। अब देखिए इसकी कुछ जो प्रॉपर्टीज है तो उनका अध्ययन भी करेंगे। देखो इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टीज भी देख लीजिए। जैसे आप सबसे पहले, उससे पहले आप देख लीजिए एग्जाम्पल। ठीक है, उससे पहले आप एग्जाम्पल देखिए। जैसे आपने सेट ए ले लिया, सेट ए में एलिमेंट है 1, 2, 3। ठीक है, और सेट बी में एलिमेंट है 3, 4, 5। ठीक है, तो अब आप देखते हो कि दोनों सेटों का यूनियन को आप किससे व्यक्त करोगे, ए यूनियन बी से। ठीक है भाई, किससे व्यक्त करोगे, ए यूनियन बी से। और ए यूनियन बी के अंदर किस किस के एलिमेंट होंगे, ए यूनियन बी के अंदर सेट ए के एलिमेंट होंगे, ठीक है, सेट बी के एलिमेंट होंगे और वे एलिमेंट भी होगी जो दोनों सेटों में होंगे। तो देखते हैं आप 1, 2, 3 किसके एलिमेंट है, 1, 2, 3 सेट ए के एलिमेंट है, 3, 4, 5 किसके एलिमेंट है, सेट बी के एलिमेंट है, और 3 क्या है, दोनों को अग्निष्ठ एलिमेंट है। आपको पता है कि सेट के अंदर अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं होती। ठीक है भाई, सेट के अंदर अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं होती। तो इनके संघ समुच्चय में कितने एलिमेंट होंगे, इनके संघ समुच्चय में 5 एलिमेंट होंगे। ठीक है, कितने एलिमेंट होंगे टोटल, 5 एलिमेंट होंगे। आप देखो यहाँ पे तो आपने ले लिया एलिमेंट 1, 2, 3, यहाँ पे 3, 4, 5। ठीक है, तो इनका जब संघ समुच्चय लिखना है तो इसके सारे अवयव लिख लीजिए इसके संघ समुच्चय में। फिर आपको ये चेक करना है, जब आप यहाँ पे एलिमेंट लेते हो, मतलब इनका भी कलेक्शन करते हो, तो क्या चेक करना है कि क्या ये एलिमेंट पहले से एग्जिस्ट है या नहीं है, ये भी आपको चेक करना है। ठीक है, संघ समुच्चय आपने बना रहे हो, ठीक है, संघ समुच्चय आप बना रहे हो तो सबसे पहले किसके एलिमेंट लिखो, सेट ए के। ठीक है, सेट ए के आपने एलिमेंट लिखे 1, 2, 3। अब आपको किसके एलिमेंट लिखना है, सेट बी के। सेट बी के एलिमेंट लिखते हो तो आप देखते हो कि सेट बी के अंदर एक एलिमेंट है 3, जो कि किसमें पहले से एग्जिस्ट है, जो कि पहले से ही इनके यूनियन में एग्जिस्ट है, तो उस एलिमेंट को नहीं लिखेंगे। फिर देखते हैं 4, क्या 4 एग्जिस्ट है पहले से, नहीं है इसके यूनियन में, तो 4 लिखेंगे। 5 देखेंगे, क्या 5 एग्जिस्ट है, 5 भी नहीं है, तो इसके यूनियन में कितने एलिमेंट होंगे, तो 5 एलिमेंट होंगे। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल देख लो, ए के पास ए ई आई ओ यू है। ठीक है, ए के पास ए ई आई ओ यू है और बी के पास है ई और आई। ठीक है, बी के पास क्या है, ई और आई। ठीक है, अब आप देखते हो इनका यूनियन करना है, आपको दोनों सेटों का यूनियन करना है, तो आप देखते हैं यूनियन किससे व्यक्त करोगे, ए यूनियन बी से, और ए यूनियन बी के अंदर किस किस के एलिमेंट होंगे, सेट ए के भी, सेट बी के भी, और दोनों भी कॉमन होंगे भी होंगे। ठीक है, तो आप देखते हो सबसे पहले सेट ए के एलिमेंट को आप एंटिटीज लिख लीजिए। ठीक है, आपने सेट ए के एलिमेंट को आपने एंटिटीज लिख लिया, ए ई आई ओ यू। अब आप किस पे आओगे, सेट बी पे, सेट बी के अंदर कितने एलिमेंट है, 2, ई और आई। आप चेक कीजिए कि क्या एलिमेंट ई पहले से एग्जिस्ट इसमें है या नहीं, तो आप देखते हैं सेट ई का, सेट बी का एलिमेंट ई इसमें पहले से एग्जिस्ट है, तो आप इसको नहीं लिखोगे। क्यों नहीं लिखोगे, क्योंकि सेट के अंदर अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं थी। इसी प्रकार एलिमेंट आई देखो, क्या इसके अंदर एलिमेंट आई एग्जिस्ट है, हाँ है, तो इस प्रकार से हम इस एलिमेंट को भी नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो इस सेट के यूनियन में कितने एलिमेंट होंगे, 5 एलिमेंट होंगे। और आप देख रहे हो कि ए यूनियन बी किसके बराबर आ रहा है, ये क्या है, सेट ए, तो ए यूनियन बी बराबर आ रहा है सेट ए। ठीक है, अब ये आपका एग्जांपल हो गया। और आप एक चीज और देख रहे हो कि क्या समुच्चय बी के सभी एलिमेंट समुच्चय ए में है। ठीक है, क्या समुच्चय बी का प्रत्येक एलिमेंट समुच्चय ए में है, हाँ है, क्योंकि समुच्चय बी में एलिमेंट कौन कौन से, ई और आई, और वो किसके अंदर, समुच्चय ए के अंदर। तो आप ये कह सकते हो कि जब बी सबसेट ए, जब बी सबसेट ए हो या ए सबसेट बी हो, कुछ भी हो, मेरे मतलब है ए या तो बी का सबसेट हो या बी ए का सबसेट हो, तो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी अकॉर्डिंगली होगा कि ए सबसेट अगर बी है तो ए यूनियन बी तो होगा बी के बराबर। ठीक है, और ए और बी सबसेट अगर ए का है, बी सबसेट अगर ए का है, तो ए यूनियन बी बराबर होगा ए के। ठीक है, आप देखते हो सेट बी क्या है, यहाँ पे सेट बी ए का सबसेट है, तो ए यूनियन बी किसके बराबर है, ठीक है, इसी प्रकार ए बी का सबसेट है, तो ए यूनियन बी क्या आएगा, बी के बराबर है। ठीक है,
तो ये आपको एक प्रॉपर्टी जो हम दिखाएंगे, इस वजह से मैंने आपको ये एग्जांपल लिया था ताकि आपको समझ में आ जाए कि अगर ए सबसेट बी का है तो ए यूनिट बी टर्म थी बी के बराबर, और बी सबसेट ए का है तो ए यूनिट बी होगा बराबर थी ए के। ठीक है, अब आप देखते हो दो एग्जाम्पल आपके पास हो गए। ठीक है, दो एग्जाम्पल आपके पास हो गए। अब आप देखते हो कि यहाँ आपने क्या किया, यहाँ आपने ए सेट ए लिया और सेट बी लिया। ठीक है, सेट ए और सेट बी लिया, फिर आपने क्या किया यूनियन किया। ठीक है, आपने क्या किया यूनियन किया। अब आप देखते हो यूनियन में कितने एलिमेंट है, एक दो तीन चार पाँच। ठीक है, यूनियन में कितने एलिमेंट है पाँच। अब आप देखो बी यूनियन ए ज्ञात करो, देखो क्या आ रहा है बी यूनियन ए ज्ञात करो तो बी यूनियन ए। बी यूनियन ए में करना क्या है आपको, बी यूनियन ए में आपको सबसे पहले किसके अभी लिखना है समुच्चय बी के, समुच्चय बी के अभी कौन कौन से तीन चार पाँच, फिर किसके लिखने आपको समुच्चय ए के, समुच्चय ए के आगे ए एक देखो ए किसके अंदर है नहीं है तो आपने ए लिख दिया, दो इसके अंदर है नहीं है तो आपने दो भी लिख दिया, तीन इसमें पहले से ही क्या है एग्जिस्ट है। तो हमेशा समुच्चयों का संघ किसका पालन करता है, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। समुच्चयों का संघ किसका पालन करता है, क्रम विनिमय नियम का। कहने का मतलब आप ए यूनियन बी ज्ञात करो या बी यूनियन ए ज्ञात करो, हमेशा क्या होता है बराबर होता है। ठीक है भाई, ए यूनियन बी ज्ञात करो किसी भी समुच्चय के लिए, किन्हीं भी समुच्चय के लिए, किन्हीं भी दो समुच्चयों के लिए या तीन समुच्चयों के लिए, आप चाहे तो ए यूनियन बी ज्ञात करो चाहे बी यूनियन ए ज्ञात करो, हमेशा बराबर होगा। ठीक है, और ए जब सबसेट है बी का तो ए यूनियन बी किसके बराबर होगा बी के, और बी सबसेट है ए के तो ए यूनियन बी बराबर होगा ए के। ठीक है, इसी प्रकार आप देखते हो एक और एग्जांपल देखो भाई साहब, एक और एग्जांपल देखिए, थर्ड एग्जांपल देखो, ए के पास है ए बी सी डी और बी के पास क्या है कुछ भी एलिमेंट नहीं है, मतलब बी कैसे सेट है, बी आपका एम्प्टी सेट है। ठीक है भाई, अब की बार आपने क्या किया, अब की बार आपने एक सेट को क्या ले लिया एम्प्टी ले लिया। ठीक है, आपने क्या किया एक सेट को एम्प्टी ले लिया, जहाँ पे आपने सेट बी को एम्प्टी ले लिया, इस सेट बी के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। अब आपको करना क्या है, इनका यूनियन करना है। ठीक है, इनका क्या करना है आपको यूनियन, और बी कैसा सेट है एम्प्टी सेट है। तो देखो ए यूनियन बी का इसके सेटों को कैसे व्यक्त करो, ए यूनियन बी से, और बी की जगह क्या है यहाँ पे, बी की जगह है यहाँ पे फाइव, आप इसको क्या लिख सकते हो ए यूनियन फाइव। ठीक है, आप देखो ए यूनियन फाइव हो गया, ए यूनियन फाइव होगा, अब ए यूनियन फाइव में सेट होगा, इस सेट में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, सबसे पहले तो आप किसके एलिमेंट लोगो सेट ए के, सेट ए के मैंने एलिमेंट लिख दिए। ठीक है, अब किसके एलिमेंट लिखो आप सेट बी या फिर एम्प्टी सेट के या फिर फाइव के, फाइव में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है तो आप क्या लिखो कुछ नहीं लिखोगे, तो आप कह सकते हो कि ए यूनियन फाइव किसके बराबर आ रहा है ए बी सी डी के बराबर, और ए बी सी डी क्या है ए के बराबर है। तो कहने का मतलब है किसी भी समुच्चय को रिक्त समुच्चय के साथ संघ लेने पर हमेशा क्या आता है वही समुच्चय अगेन आ जाता है। ठीक है भाई, किसी भी समुच्चय को रिक्त समुच्चय के साथ आप यूनियन कीजिए हमेशा तो वही समुच्चय आ जाएगा। तो आपने यहाँ पे तीन प्रॉपर्टीज का अध्ययन किया है, एक तो क्रम विनिमय का, दूसरा सबसेट वाले का, तीसरा फाइव का। ठीक है, अब हम आपको इनकी प्रॉपर्टीज दिखाते हैं, इनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो देखिए प्रॉपर्टी, संघ संक्रिया के गुणधर्म। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी देखिए, संघ संक्रिया के गुणधर्म, या फिर आप ये कह सकते हो कि आप ये कह सकते हो प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑपरेशन। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑपरेशन। ठीक, अब देखो सबसे पहले आती है आपकी ए नंबर वर्ग सम नियम। ठीक है, सबसे पहली आती है आपकी वर्ग सम नियम या आइडम्पोटेंट लॉ। ठीक है, कौन सी है आइडम्पोटेंट लॉ, कहने का मतलब है किसी भी सेट को उसी के साथ यूनियन अगर आप लेते हो तो हमेशा क्या आएगा वही सेट आएगा। इसका मीनिंग यही होता है कि इस सेट ए को आप इसी के साथ यूनियन लीजिए हमेशा क्या आएगा यही सेट आएगा। आप ए यूनियन ए कीजिए तो वन टू थ्री आएगा, और वन टू थ्री किसके बराबर ए के बराबर, मतलब ए यूनियन ए किसके बराबर होगा ए के बराबर। ठीक है,
वर्ग का नियम के अकॉर्डिंग आप क्या लिख सकते हो कि ए यूनियन ए बराबर ए, ठीक है। सेकंड है आपका क्रम विनिमय नियम, ठीक है। सेकंड क्या है आपका क्रम विनिमय नियम, ठीक है, या फिर कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। सेकंड क्या है कम्यूटेटिव लॉ, इसके अकॉर्डिंग आप क्या कह सकते हो कि तीन भी दो सेट्स का आप अगर यूनियन करें तो चाहे तो ए यूनियन करो चाहे बी यूनियन करो हमेशा क्या आएगा बराबर आएगा, ठीक है। ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए। थर्ड है साहचर्य नियम, ठीक है। थर्ड क्या है साहचर्य नियम या फिर एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। थर्ड क्या है साहचर्य या फिर एसोसिएटिव लॉ। इसके अकॉर्डिंग आप क्या कह सकते हो कि दो से अधिक आप कितने भी समुच्चय लीजिए चाहे तीन लीजिए चाहे चार लीजिए अगर आप इनका यूनियन करते हो तो दोनों बराबर तो होंगे होंगे, साथ में आप इनका यूनियन किसी भी प्रकार कर लो, ठीक है। साथ में आप इनका यूनियन किसी भी प्रकार से करो हमेशा ये दोनों के दोनों सेट क्या होंगे समान होंगे, ठीक है। हमेशा दोनों दोनों सेट क्या होंगे समान होंगे, मतलब ये वाला सेट और ये वाला सेट बराबर होगा। आप तो चाहो तो ए और बी का यूनियन करो पहले फिर सी के साथ यूनियन लो या फिर बी और सी का यूनियन करो फिर ए के साथ यूनियन लो तो हमेशा क्या होंगे बराबर होगा, ठीक है। तो ये हो गए तीसरे प्रॉपर्टी। चौथे देखिए आप तत्समक नियम, ठीक है। चौथी है तत्समक नियम, चौथी प्रॉपर्टी है तत्समक नियम या आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ, ठीक है। आइडेंटिटी लॉ इसके अकॉर्डिंग आप क्या कह सकते हो, आप ये कह सकते हो कि अगर किसी भी समुच्चय का फाइव के साथ यूनियन किया जाए तो हमेशा क्या आता है ए ही आता है, ठीक है। या फिर आप किसी भी समुच्चय ए का अगर फाइव के साथ यूनियन करते हो तो हमेशा ए ही आएगा। आप ये लिख सकते हो कि ए यूनियन फाइव बराबर फाइव यूनियन ए बराबर क्या आना चाहिए ए ही आना चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार पांचवी प्रॉपर्टी क्या है आपकी यूनियन लॉ या फिर संघ लॉ, ठीक है। यूनियन लॉ या फिर संघ नियम, ठीक है। इसका अकॉर्डिंग आप क्या कह सकते हो, इसका अकॉर्डिंग ये कह सकते हो कि सार्वत्रिक समुच्चय यू का, सार्वत्रिक समुच्चय यू का कोई एलिमेंट ले लो, ठीक है। सार्वत्रिक समुच्चय यू का आप कोई सभी एलिमेंट लीजिए, आपको पता है सार्वत्रिक समुच्चय के एलिमेंट ही खुद क्या होते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय के एलिमेंट खुद सेट होते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है सार्वत्रिक समुच्चय का आपने कोई सा भी एलिमेंट लिया ए, ठीक है। आपने क्या किया सार्वत्रिक समुच्चय का कोई सा भी एलिमेंट लिया ए और ये ए खुद क्या होगा, ये ए खुद सेट होगा, ठीक है। तो इस ए का यू के साथ, इस ए का अगर यू के साथ यूनियन करते हो तो हमेशा क्या आएगा यू ही आएगा, ठीक है। इस ए का अगर आप ए के साथ ही यूनियन करते हो तो क्या आएगा ए यू ही आएगा, ठीक है भाई। क्या आएगा ये यू ही आएगा, मतलब सार्वत्रिक समुच्चय आएगा, ठीक है। ये होगी कितनी पांच प्रॉपर्टी। छठी देखिए यदि ए सबसेट है बी का, यदि ए सबसेट है बी का तो मैंने अभी आपको बताया था ए सबसेट है बी का तो ए यूनियन बी किसके बराबर होगा, बी के बराबर होगा, ठीक है। ए सबसेट है अगर बी का तो ए यूनियन बी किसके बराबर होगा, बी के बराबर होगा। और लास्ट प्रॉपर्टी है कौन सी कि ए सबसेट ऑफ एक्स और बी सबसेट ऑफ एक्स, तो आप ये कह सकते हो कि ए यूनियन बी भी किसका सबसेट होगा, एक्स का सबसेट होगा। यानी मतलब है ए क्या है समुच्चय एक्स का उपसमुच्चय, बी क्या है समुच्चय एक्स का उपसमुच्चय, तो इन दोनों में यूनियन बी क्या होगा, इन दोनों में यूनियन बी समुच्चय एक्स का उपसमुच्चय होगा, ठीक है। तो ये आपकी जो समुच्चय पर संक्रिया है उसकी प्रॉपर्टीज कंप्लीट होती हो। उसके बाद नेक्स्ट आपकी जो संक्रिया है वो है समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, ठीक है। नेक्स्ट आपकी जो कौन सी प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी यहाँ पे सॉरी नेक्स्ट आपका ऑपरेशन क्या है समुच्चयों पर या समुच्चयों का सर्वनिष्ठ या फिर इंटरसेक्शन ऑफ सेट, ठीक है, या फिर इंटरसेक्शन ऑफ सेट, ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, ठीक है। अब देखिए आप इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होते हैं, ठीक है। देखो आपने आपने दो समुच्चय लिए ए और बी, ठीक है।
आपने दो समुच्चय ए और बी लिए, अब आपको ये पता नहीं कि दोनों एम्प्टी हैं या फिर नॉन एम्प्टी। आपने क्या किया, आपने उन अवयवों का, आपने उन अवयवों का कलेक्शन किया या आपने उन अवयवों का संग्रह लिया जो भी क्या है दोनों में सेम है। यानी मतलब है समुच्चय ए और बी में जो दोनों समुच्चयों में जो कॉमन एलिमेंट है ना आपके पास, वो घनिष्ठ एलिमेंट है, सिर्फ आपने उन्हीं एलिमेंट को लिया और उन एलिमेंट को लेकर आपने क्या बनाया, एक सेट बनाया, ठीक है। तो वो सेट क्या कहलाएगा, उन दोनों समुच्चयों का सर्वनिष्ठ समुच्चय कहलाएगा। और उसको किससे व्यक्त करोगे, उसको व्यक्त करोगे ए इंटरसेक्शन बी से, ठीक है। और उसको ए इंटरसेक्शन बी से डिफाइन करोगे, सॉरी व्यक्त करोगे, डिफाइन किस प्रकार करोगे कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, ठीक है। कहने का मतलब है किन्हीं भी दो समुच्चयों के उभयनिष्ठ अवयवों का समुच्चय, किन्हीं भी दो समुच्चयों के उभयनिष्ठ अवयवों का समुच्चय क्या कहलाता है, उनका सर्वनिष्ठ समुच्चय कहलाता है। किससे व्यक्त करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी से, ठीक है। तो देखिए माना ए और बी कोई दो समुच्चय, माना ए और बी कोई दो समुच्चय हैं, उभयनिष्ठ हो, ठीक है भाई। जो दोनों समुच्चयों में उभयनिष्ठ हो, ठीक है। तो इन अवयवों का समुच्चय, समुच्चय ए तथा बी का, समुच्चय ए तथा बी का सर्वनिष्ठ समुच्चय कहलाता है, ठीक है। समुच्चय ए तथा बी का सर्वनिष्ठ समुच्चय कहलाता है, इसे ए इंटरसेक्शन बी से व्यक्त करते हैं, इसे ए इंटरसेक्शन बी से व्यक्त करते हैं। डेट इज ए इंटरसेक्शन बी बराबर एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, ठीक है। उन अवयवों का समुच्चय जो कि क्या हो, दोनों में उभयनिष्ठ हो। अब आप इसके कुछ गुणधर्म भी देख लीजिए, ठीक भाई। लेकिन उससे पहले आप इसके एग्जाम्पल देखिए, ठीक है। आप इसके एग्जाम्पल देखिए, तो एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल फर्स्ट में आप ले लो, आपने ले लिया सेट ए जिसमें एलिमेंट है ए बी सी और डी, ठीक है। और सेट बी में एलिमेंट है डी ई एफ। अब आप क्या निकालिए, इनका सर्वनिष्ठ समुच्चय निकालिए या फिर इनका इंटरसेक्शन निकालिए। तो इनके इंटरसेक्शन किससे व्यक्त करोगे, ए इंटरसेक्शन बी से, और ए इंटरसेक्शन बी में कौन से एलिमेंट होंगे, बी ही एलिमेंट होंगे जो कि क्या होंगे, दोनों में कॉमन। दोनों में कॉमन कौन सा एलिमेंट है, दोनों में ये एलिमेंट कॉमन है कौन सा, डी, ठीक है। दोनों में कौन सा एलिमेंट कॉमन है, दोनों में एक एलिमेंट डी कॉमन है, ठीक है। अब आपने ए इंटरसेक्शन बी निकाला, आप देखो बी इंटरसेक्शन ए निकालो, तो बी इंटरसेक्शन ए के अंदर भी वही एलिमेंट होगा जो कि दोनों में कॉमन होगा, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होता है, बी इंटरसेक्शन ए के, ठीक है। अब ये तो आपकी फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। सेकेंड देखो, ए के अंदर आपने 1 2 3 4 ले लिया, ठीक है, और डी के अंदर आपने ले लिया 5 6 7, ठीक है। अब आप इनका इंटरसेक्शन निकालो, ठीक है। इनका इंटरसेक्शन निकालते हो तो आप देखते हो कि इनके इंटरसेक्शन में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे जो कि दोनों समुच्चयों में सेम होंगे। लेकिन आप देखते हो कि समुच्चय ए में 1 से लेकर 4 तक एलिमेंट है और समुच्चय बी में 5 6 7, यानी मतलब दोनों में कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है, मतलब दोनों समुच्चयों में कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है। तो आप क्या कह सकते हो कि ये जो नया समुच्चय आएगा ए इंटरसेक्शन बी, ये कैसा समुच्चय होगा, ये एम्प्टी सेट होगा, ठीक है। कैसा समुच्चय होगा, ये एम्प्टी सेट होगा। दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा, 5 होगा, ठीक है। दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा, 5 होगा, ठीक है। थर्ड देखिए, थर्ड एग्जाम्पल,
आपने ले लिया सेट ए, सेट ए का एलिमेंट है 1 2 3, और सेट बी का एलिमेंट है 1 2 3 4 5, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, इनका सर्वनिष्ठ समुच्चय निकालना, ठीक है। आपको इनका क्या निकालना है, सर्वनिष्ठ समुच्चय निकालना। सर्वनिष्ठ समुच्चय क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, 1 2 3, ठीक है। कौन कौन से एलिमेंट होंगे जो कि दोनों में कॉमन होंगे, तो आप देखते हो ए इंटरसेक्शन बी क्या है, 1 2 3, ए इंटरसेक्शन बी 1 2 3, और 1 2 3 क्या है, खुद ए है, 1 2 3 क्या है, खुद ए, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हो कि जब ए सबसेट होगा बी का, जब ए सबसेट होगा बी का, तो ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा। मतलब आप ये कह सकते हो कि ए अगर सबसेट है बी का, तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए, ठीक है। इसी प्रकार बी सबसेट है ए का, तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी, ठीक है। तो ये ही मैं आपको बताना चाहता था, क्योंकि इनके इनके आधार पे आपको प्रॉपर्टी समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो ये तो आपको कंप्लीट होता हुआ ये वाला टॉपिक। अब इसकी प्रॉपर्टीज है, उन प्रॉपर्टीज को हम आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बताएंगे। आज का जो लेक्चर है वो यहीं पे कंप्लीट होता हुआ। धन्यवाद।